की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है ये चार्ज क्यू लोकेटेड द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पर रख दो, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेस, थ्रू द एनी फेस, किसी फेस से, किसी एक फेस से, एनी फेस मतलब हमने कॉर्नर पे फ्लक्स रखा तो एनी फेस से फ्लक्स कितना होगा। कॉर्नर पे नहीं रहे, सेंटर पे है, सॉरी सेंटर पे है, तो सेंटर पर हमने रखा तो एनी फेस, अगर आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये क्यूब है इसके सेंटर पर रखता हूँ प्लस क्यू, और इससे कोई मतलब नहीं यार इसको सेंटर पर रखते हो कि कहाँ रखते हो, इसके लोकेशन पे इनडिपेंडेंट है। तो किसी टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से कितना बनेगा, तो अगर मैं ये क्यूब है इसके अंदर मैं रख दिया तो टोटल जो फ्लक्स बनेगा इस क्यूब से गॉस थ्योरम से, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस का थ्योरम लगा दिए। गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको चार्ज को बंद करना पड़ेगा, सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा और ताला लगा के रखना पड़ेगा रूम में, जैसे रूम है वो रूम में चारों तरफ से बंद कर दिए रूम, तो एक क्लोज गॉसियन सरफेस आ जाएगा, ऐसा करना पड़ता है। और वो रूम किसी भी शेप साइज का हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, स्फीयर, कौन कोई भी, इससे मतलब नहीं है सिलेंडर। तो ये जो क्यूब है वो एक क्लोज्ड सरफेस है, इमेजिनरी गॉसियन, तो इस पूरे क्यूब से फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द गॉस थ्योरम। अब हमें किसी एक से चाहिए यार, एक से चाहिए, तो ये बाई सिमेट्रिकली सिक्स पार्ट में कितने फेस हैं, सिक्स, तो सिक्स पार्ट में डिवाइड हो गए तो एक से जो फ्लक्स आ जाएगा, एक से फ्लक्स आ जाएगा वो फाइव अपॉन सिक्स मतलब क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो q अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, फोर पाई ने फोर पाई को खत्म कर दिया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये।